तो हेलो गाइस, आज हम फिर से करने वाले हैं माइनक्राफ्ट, और आप लोग देख रहे हो माइनक्राफ्ट का एपिसोड नंबर 49। तो गाइस, आज हम अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में बनाने वाले एक बोट हाउस। और गाइस, उससे पहले आपको पता होगा कि पिछले वीडियो में हमारे कासल के ऊपर रेड हुई थी विलेजर की। तो गाइस, उसकी वजह से सारे विलेजर ने ट्रेडिंग सस्ती कर दी थी, और उनसे मैंने बहुत सारी ट्रेडिंग करी और उन्होंने मुझे बहुत सारी एन्चेंटेड बुक्स भी दी। और आप देख पा रहे हो मुझे मेंडिंग में मिली थी 2 बुक्स, तो एक मैंने शॉवल में लगा दी और एक मैंने स्वर्ड में लगा दी, और एफिशिएंसी 5 भी मैंने शॉवल में लगाई है। और इस स्वर्ड में क्या फायर एक्सपर्ट कुछ लगाया था। हाँ, तो गाइस यही थी एन्चेंटेड बुक जो मैंने अपने वेपन्स में लगाई थी। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो तो आपको पता ही है, आज हम एक बोट हाउस बनाने वाले। तो गाइस, उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैंने एक रेल ट्रैक बनाया है वहाँ पर हमारे ट्राइडेंट फार्म तक, क्योंकि आपको पता है वो कितना दूर है और एकदम पानी के बीच में भी है, तो वहाँ पर जाने का खतरा भी होता है कि मॉब्स होते हैं पानी के अंदर। तो उससे पहले हम यहाँ पर सो जाते हैं क्योंकि अभी रात हो रही है। तो गाइस, अभी हम यहाँ पर जल्दी से सो जाते हैं और सुबह चलते हैं। तो गाइस, यहाँ पर सुबह हो चुकी है और अभी हम चलते हैं अपने ट्राइडेंट फार्म के पास। और ये हमारे पांडा भी बेचारे कब से यहीं पर हैं, तो इनके लिए भी बहुत जल्द घर बनाना है। तो गाइस, अभी हम यहाँ पर माइनकार्ट में बैठ कर जाने वाले हैं। और गाइस, यहाँ पर एक और मैंने अंडर वाटर टनल भी बनाई है पूरी ग्लास की, तो उसके अंदर भी जाएंगे, मतलब उसके अंदर से ही जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने माइनकार्ट कलेक्ट कर लिया है और अभी मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ और अभी हम फिर चलते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने रख दिए और अभी हम चलते हैं अपने ट्राइडेंट फार्म के पास। तो ये वो अंडर वाटर टनल आप देख पा रहे हो, ऐसे कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, बस छोटी सी है। तो यहाँ पर अभी ऐसे रास्ता घूम कर जाएगा अपने ट्राइडेंट फार्म तक। और यहाँ पर मैंने रेडस्टोन ब्लॉक यूज़ किया है ताकि अच्छा दिखे। और यहाँ पर हम आ चुके हैं, आप देख पा रहे हो इस ब्रिज पर। तो ये वो ब्रिज है पूरा, यहाँ पर पानी के बीच वो रहा हमारा ट्राइडेंट फार्म। गाइस, यहाँ पर मैंने ऐसे दोनों साइड आग लगा दी है नेदर रैक्स के ऊपर। तो गाइस, ये रात को बहुत अच्छी लगती है और यहाँ पर अंधेरा भी नहीं होता, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लगा दिया। और कोई मॉब्स भी नहीं आ सकता पानी के अंदर। तो गाइस, अभी हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अभी आप देखो कितना बड़ा ब्रिज है। और ये भी यहाँ पर मैं अंदर ही गिर गया, तो अभी मैं यहाँ पर जल्दी से ऊपर चलता हूँ पहले। तो गाइस, अभी यहाँ पर मैं जैसे तैसे डर्ट लगा कर ऊपर आ चुका हूँ और अभी मैं इन डर्ट को तोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर ये रिशावर, और गाइस ये देखो एफिशिएंसी 5 का कमाल, आधे ब्लॉक तो गायब ही हो जाते हैं टूटते वक्त। तो अभी यार ये गलती से इसमें यही दिक्कत है, ये मैंने थोड़ा छोटा बना दिया है, थोड़ा बड़ा बनाया होता तो जलता नहीं, वरना कभी कभी हम खुद आग से जल जाते हैं। तो अभी तो बुझ चुकी है। तो अभी मैं इस माइन कार्ट को यहाँ पर कलेक्ट कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर थोड़ा आगे की तरफ लगा देता हूँ। तो यहाँ पर ये रही, तो इसको मैं यहाँ पर लेता हूँ और आगे की तरफ लगा देता हूँ। तो गाइस, अभी यहाँ पर मैंने माइन कार्ट तो लगा दिया और अभी हम चलते हैं यहाँ से ऊपर। और गाइस, आपको पता ही है कितना ऊपर है, पूरा 64 ब्लॉक्स तक है। तो गाइस, अब फाइनली हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, आप देख पा रहे हो। और यहाँ पर देखो गाइस कितने मॉब्स आए हुए हैं। ये जो ट्राइडेंट फार्म है ना, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप देख ही पा रहे हो कितने मॉब्स आ रहे हैं। और गाइस, अभी आप देखना मेरी शॉवल के अंदर मेंडिंग लगी हुई है, तो मैं एक मारता हूँ तो अभी शॉवल डैमेज होगी और जैसे एक्सपी मिलती है वो अपने आप रिपेयर हो जाती, मतलब इसका कभी डैमेज होता ही नहीं शॉवल का, एकदम फुल ही रहती है। और अभी देखो मैं अपनी शॉवल को कैसे रिपेयर करता हूँ यहाँ पर, ये देखो गाइस कितनी जल्दी हमारी शॉवल रिपेयर हो रही है। तो वैसे भी थोड़ी सी डैमेज थी पर फिर भी रिपेयर हो रही है हम देखिए। तो यहाँ पर हमारी पिकेक्स रिपेयर है, बस मैंने एक्स के अंदर कुछ भी इंसेटेड नहीं लगे क्योंकि एक्स समय कम ही यूज़ करते हैं इसीलिए। तो अभी यहाँ पर बो में तो हम रिपेयर कर लेते हैं एंडविल से, इसीलिए नहीं लगाए, वैसे भी लगती ही नहीं है शायद से। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने ट्राइडेंट भी रिपेयर किए और ये टूटे हुए ट्राइडेंट है जो अभी मिले, तो इनको भी रिपेयर करना है। और यहाँ पर मैंने एक और चेस्ट लगा दी है ताकि ये बच जाए तो उसके अंदर हम रख पाए। तो वैसे अभी मैं यहाँ पर जल्दी से इन सबको मार देता हूँ और एक्सपी कलेक्ट कर लेता हूँ। और अभी मेरी एक्सपी देखना आप कितनी जल्दी से बढ़ती है, गई अभी देखना। तो यहाँ पर शायद से सब मर गए, एक बच गए। तो यहाँ पर मेरी 28 एक्सपी हो चुकी है 26 से, मतलब 25 थी शायद से। तो अभी यहाँ पर हाँ, अभी हम बोट हाउस बनाने वाले हैं, तो मैं भूल ही गया था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो मैंने बोट हाउस के लिए सारा सामान ले लिया। और ये ट्राइडेंट कैसे आ गया, तो इस ट्राइडेंट को हम इस वाले चेस्ट के अंदर रख देते हैं।
और गाइस यहाँ पर आप देखो मैंने सारा सामान ले लिया बोट हाउस के लिए। तो अभी हम यहाँ से सीधा नीचे जाने वाले, क्योंकि हम वैसे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो गाइस अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एकदम हम पानी के अंदर आ चुके हैं, और अभी हम चलते हैं वहाँ पर आगे की तरफ उस सैंड के ऊपर। तो गाइस यहाँ पर हम सैंड के ऊपर आ चुके हैं और अभी यहाँ पर खाना खा लेते हैं थोड़ा सा। गाइस अभी हम अपना बोट हाउस सामने की तरफ बनाने वाले हैं, आप देख पा रहे हो यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर जहाँ पर ये वायर होगी ना वहाँ पर हम अपना बोट हाउस बनाने वाले हैं एकदम पानी के सेंटर में, ताकि अच्छा दिखे एकदम बोट पानी के सेंटर में। तो यहाँ पर अभी हम चलते हैं एकदम पानी के सेंटर में और फिर बनाते हैं अपना बोट हाउस। तो यहाँ पर मैं डर्ट ले लेता हूँ, क्योंकि डर्ट के बिना हम पानी के ऊपर कुछ भी नहीं लगा पाएंगे, पहले हमें नीचे डर्ट लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं जल्दी से चलता हूँ एकदम सेंटर में। तो गाइस यहाँ पर अभी एकदम मैं सेंटर में आ चुका हूँ, आप देख पा रहे हो उस जगह से मैं थोड़ा दूर आ चुका हूँ। तो अभी हम यहाँ पर नीचे जाकर डर्ट लगाते हैं और फिर उसके ऊपर हम पूरा बोट का स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं जल्दी से डर्ट लगा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन भी लेना पड़ता है वरना लाइफ चले। और देखो कैसे हेल्थ जा रही है मेरी। तो यहाँ पर मैं फिर से ऑक्सीजन लेता हूँ और अभी जल्दी से मैं यहाँ पर डर्ट लगा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैंने ऊपर तक डर्ट लगा दिया और अभी यहाँ पर हमें लगाना है स्लैब। तो यहाँ पर मैंने एक स्लैब लगा दिया है, और अभी आपको यहाँ पर ऐसे 12 स्लैब लगाने हैं ऐसे लाइन में। तो यहाँ पर 2 3 ऐसे आपको 12 स्लैब लगाने, 4। तो यहाँ पर मैं जल्दी से 12 स्लैब लगा देता हूँ, और ये 5 6 7 8 9 10 11 12। तो गाइस अभी मैंने यहाँ पर पूरे 12 स्लैब लगा दिए, और अभी यहाँ पर मुझे ट्रैप डोर लेना है, और यहाँ पर स्लैब भी ले लेता हूँ, और यहाँ पर एक और स्लैब लगा देता हूँ, लग क्यों नहीं रहा है। तो यहाँ पर मैंने तो गाइस यहाँ पर पहले हम सो जाते हैं। तो गाइस अभी हम यहाँ पर सोकर उठ चुके हैं और यहाँ पर अपने बेड को कलेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं एक बार ये काउंट कर लेता हूँ कि मैंने यहाँ पर कितने स्लैब लगाए। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पर काउंट कर लिया और मुझे पता ही था कि एक एक्स्ट्रा लगा है, तो यहाँ पर मुझे ये नहीं लगाना था। और यहाँ पर अभी 12 हो चुके हैं, अभी मुझे यहाँ पर ट्रैप डोर लगाना था और मैंने इसकी वजह स्लैब लगा दिया था, तो इसीलिए। तो अभी यहाँ पर मुझे यहाँ से पूरे ट्रैप डोर लगाने हैं। गाइस अभी आपको यहाँ से 9 ट्रैप डोर लगाने हैं। तो यहाँ पर हाँ गाइस अभी मैंने यहाँ पर लगा दिया। यहाँ पर आपको आगे की तरफ 3 स्लैब नहीं लगाने, तो इसका मतलब आपने 9 ट्रैप डोर लगाए। तो यहाँ पर 3 स्लैब मैंने नहीं लगाया, तो इसका मतलब ये 9 ट्रैप डोर है। तो गाइस ऐसे ही मैंने यहाँ पर दोनों साइड लगा दिया, आप देख पा रहे हो। तो गाइस अभी आपको यहाँ पर प्लैंक्स लेने हैं जो नॉर्मल वाले होते हैं, यही। तो यहाँ पर मैं पहले देख लेता हूँ, हाँ अभी आपको यहाँ पर प्लैंक्स लेने हैं, तो ये रहे प्लैंक्स। और गाइस आपको अभी यहाँ पर इन प्लैंक्स को पूरे में लगा देना है, जहाँ जहाँ पर हमने ट्रैप डोर लगाए वहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने पूरे में लगा देता हूँ जल्दी से। तो गाइस अभी मैंने यहाँ पर पूरे में प्लैंक्स लगा दिए, और अभी ये जो एक्स्ट्रा लगे थे उनको मैं यहाँ पर तोड़ देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैंने इन प्लैंक्स को तोड़ दिया है, और अभी यहाँ पर आगे की तरफ भी आपको यहाँ पर 2 प्लैंक्स लगाने, और एक नहीं लगाना बस। तो यहाँ पर हमने लगा दिया है, और अभी ये डर्ट भी मैं तोड़ देता हूँ, क्योंकि अभी इसका कुछ काम नहीं है। तो यहाँ पर इतनी डर्ट मैंने तोड़ दी। तो गाइस अभी हमारे मेन पूरा बेस बन चुका है, और अभी हमें यहाँ पर हाँ यहाँ से हमें लगाना है एक स्लैब लगाना है। तो यहाँ पर आपको एक स्लैब लगाना है, और ये नीचे की तरफ लग गया, तो उसको आपको ऊपर की तरफ लगाना है। तो यहाँ पर ये ऐसे लग गया। और गाइस अभी यहाँ पर इस कॉर्नर से यहाँ पर बीच में 3 ब्लॉक छोड़कर यहाँ पर एक और स्लैब लगाना है, और अभी एक सीधा उस कॉर्नर पर, और बीच में 3 ब्लॉक छोड़ने चाहिए। तो यहाँ पर आप 2 3, तो अभी एक स्लैब इस कॉर्नर पर, लगे इसमें यहाँ पर नीचे गिर गया। तो अभी मैं यहाँ पर फिर से चलता हूँ ऊपर, तो यहाँ पर सामने आगे की तरफ से है ना, हाँ, तो यहाँ से मैं चलता हूँ ऊपर। तो गाइस अभी मैं यहाँ पर फिर से ऐसे लगा देता हूँ, तो यहाँ पर लास्ट में एक लगाना है। तो गाइस ऐसे ही आपको उस साइड भी लगाना है। तो गाइस यहाँ पर मैंने दोनों साइड ऐसे स्लैब लगा दिए, और अभी हमें यहाँ पर स्टेयर्स लेनी है। तो ये स्टेयर्स यहाँ पर मैंने ले लिया,
और अभी इन प्लैंक्स के बीच में जो हमने तीन तीन ब्लॉक्स का गैप छोड़ा था वहाँ पर हमें स्टेयर्स लगानी है। तो यहाँ पर मैं स्टेयर्स लगा देता हूँ। आपको ऐसे स्टेयर्स लगानी है जैसे मैं लगा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखो इसे, तो यहाँ पर ऐसे ही आपको पूरे में स्टेयर्स लगा देनी है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से लगा देता हूँ। तो गाइस अभी मैंने यहाँ पर पूरे में स्टेयर्स लगा दिए, आप देख पा रहे हो। और अभी हमें यहाँ पर ट्रैप डोर्स लगाने, तो यहाँ पर मैं ट्रैप डोर ले लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैंने ट्रैप डोर ले लिया और अभी आपको यहाँ पर ट्रैप डोर आगे से एक ब्लॉक छोड़ कर लगाने और पीछे भी एक ब्लॉक नहीं लगाने। तो यहाँ पर सेंटर में पूरे ट्रैप डोर्स लगा देने और पीछे की एक साइड नहीं लगाने। तो ऐसे ही आपको उस साइड भी लगाना है। तो गाइस अभी मैंने यहाँ पर दोनों साइड ट्रैप डोर्स लगा दिया और अभी मैं आपको नीचे चलकर दिखाता हूँ कि ये कैसा लग रहा है। हाँ गाइस अभी आप देखो यहाँ से नीचे से थोड़ा बहुत बोर्ड जैसा लग रहा है। ऐसे अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ इसीलिए थोड़ा अजीब दिख रहा है। तो अभी हम चलते हैं दोबारा ऊपर और इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर हम ऊपर आ चुके हैं और अभी यहाँ पर भी हमें एक स्टेयर्स लगानी है। तो यहाँ पर ऐसे ये साइड, हाँ ऐसे ही, और एक यहाँ पर इस साइड भी लगानी है। तो यहाँ पर इस साइड से और एक और लगानी है हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर ये इस साइड लगेगी ऐसे, और एक यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी एक स्टेयर्स, अबे ये गलत लग गई। तो गाइस इसको मैं तोड़ देता हूँ और इसको आपको ऐसे सीधा लगाना है, मतलब सीधा नहीं ऐसे उल्टा लगाना है। हाँ तो गाइस अभी यहाँ पर मैंने लगा दिया और यहाँ पर भी एक लगानी है। गाइस अभी मैं यहाँ पर पीछे की साइड आ चुका हूँ और अभी यहाँ पर जो हमने एक ट्रैप डोर एक्स्ट्रा लगाया था उसके ऊपर एक प्लैंक्स लगा देना है और फिर यहाँ पर इसके ऊपर और प्लैंक्स और ऐसे टी बनाना है। तो यहाँ पर ऐसे हमने टी से अपने प्लैंक्स लगा दिए, आप देख पा रहे हो। और अभी यहाँ पर ऐसे स्टेयर्स लगानी है। गाइस अभी आपको यहाँ पर भी ऐसे एक उल्टी स्टेयर लगानी है। तो गाइस अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट हो चुका है पीछे की साइड से, और यहाँ पर एक ट्रैप डोर मैंने लगाया पीछे की साइड। और गाइस अभी हम आगे की तरफ से बना देते हैं इसको। यहाँ पर मैं डार्क वुड यूज़ करने वाला हूँ। तो ये रहे डार्क वुड प्लैंक्स, और ये खाना भी ले लेते हैं और डार्क वुड के स्टेयर्स ले लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर पहले मैं डार्क वुड का प्लैंक्स रखता हूँ और इसके ऊपर हमें हाँ स्टेयर्स लगानी है। तो ऐसे यहाँ पर भी हमें उल्टी स्टेयर लगानी है, तो यहाँ पर लगानी है। और अभी हमें इसके ऊपर एक और स्टेयर लगानी है। तो यहाँ पर हम पीछे आ जाते हैं। तो ये गाइस मैंने गलत लगा दी, यहाँ पर मुझे उस वाली स्टेयर के ऊपर लगानी थी, मैंने पीछे लगा दी। तो यहाँ पर इस वाली स्टेयर के ऊपर लगानी है। हाँ गाइस अभी आप देख पा रहे हो। और अभी यहाँ पर दो स्टेयर यहाँ पर लगानी है राइट और लेफ्ट में। तो गाइस अभी मैंने इतना लगा दिया यहाँ पर, और अभी ये आगे की तरफ, ये बोर्ड का फेस है आगे की तरफ से, और अभी यहाँ पर भी हमें स्टेयर लगानी। तो ये मैंने गलत लगा दी। तो यहाँ पर मुझे इसको ऐसे तोड़ना है और यहाँ पर इस साइड से लगानी है। तो इस साइड से मुझे दोनों साइड लगानी है। तो यहाँ पर इस साइड भी लगा देता हूँ। तो गाइस अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पर पीछे की साइड और आगे की तरफ ऐसा दिख रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ इसको भी मैं डार्क वुड का बना देता हूँ। चले गाइस मैं इसको भी जल्दी से डार्क वुड का बना देता हूँ। तो गाइस अभी हम यहाँ पर सोकर उठ चुके हैं और अपने बेड को कलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि रात हो चुकी थी। तो यहाँ पर अभी फिर से हम स्टेयर लगा देते हैं जैसे पिछली बार लगाई थी, और इस साइड भी। तो गाइस अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने इसे भी पूरा डार्क वुड का बना दिया है और आधे प्लैंक्स हमारे नीचे गिर गए, वैसे भी उनका कुछ काम नहीं। तो गाइस अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अभी ये पूरा मेन मेन स्ट्रक्चर बन चुका है हमारी बोर्ड का। तो अभी आपको बस यहाँ पर प्लैंक्स लेने डार्क वुड के, आप कोई भी प्लैंक्स ले सकते हो। मैं यहाँ पर डार्क वुड के लिए, तो यहाँ पर ऐसे इन स्टेयर से लगानी है यहाँ पर ऐसे। और गाइस फिर आपको इसको यहाँ पर ऐसे आगे की तरफ लाना है, मतलब यहाँ तक जहाँ तक ट्रैप डोर लगे, तो यहाँ तक। और ऐसे ही हमें इस साइड भी लगाना है। तो यहाँ पर मैं इस साइड भी ऐसे प्लैंक्स लगा देता हूँ। तो यहाँ पर एक स्टेयर के पास, अभी मैंने गलत लगा दी, तो इसको रहने देता हूँ, यहाँ पर लगा देता हूँ। और अभी इसको मैं तोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर मैं जल्दी से इस साइड भी लगा देता हूँ ऐसे। अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने दोनों साइड लगा दिए
अभी बस आपको यहाँ पर इस बोट के जहाँ जहाँ पर ट्रैप डोर लगे हैं वहाँ से बस इसको पूरा कवर कर देना है। तो गाइस ये मैं जल्दी से कर देता हूँ, फिर अपनी पूरी बोट रेडी हो जाएगी। तो गाइस अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारी पूरी बोट कंप्लीट हो चुकी है, बस अभी हमें इस बोट के ऊपर हाउस बनाना है। तो यहाँ पर हमारी बोट तो कंप्लीट हो चुकी है, और गाइस यहाँ पर मैं अभी आपको मैं नीचे चलकर दिखाता हूँ। तो यहाँ से हम चलते हैं नीचे, और मैं सोच रहा था इसको तोड़ कर थोड़ा और आगे कर देता हूँ, तो वो तो पहले नीचे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखो गाइस अभी एकदम रियल बोट की तरह लग रही है। अगर मैं इसको थोड़ा और वो आगे वाला जो है उसको मैं बड़ा कर देता आगे की तरफ तो थोड़ी और सही लगती। तो वैसे एक काम करते हैं, इसको भी मैं आगे की तरफ बढ़ा देता हूँ। और तो यहाँ पर पहले मैं ऊपर चलता हूँ जल्दी से। तो वैसे यहाँ पर मैं डर्ट लगा कर ऊपर आ चुका हूँ, और अभी मैं इस टीयर को तोड़ देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर फिर से एक प्लैंक लगा देता हूँ डार्क वुड का, और यहाँ पर अभी इसके ऊपर चढ़ जा। तो यहाँ पर अभी हमें पीछे की तरफ मतलब आगे की तरफ एक स्टेयर लगानी उल्टी, तो यहाँ पर ऐसे, और अभी इस स्टेयर के ऊपर एक और स्टेयर। हाँ गाइस अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पर अभी ये थोड़ा बोट हमारी बड़ी हो चुकी है और आगे की तरफ से। तो अभी मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर स्लैब लगा देता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पर उसको आगे की तरफ बढ़ाया ना, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हाइट हो गया यहाँ से। तो यहाँ पर मैं स्लैब लगा देता हूँ ताकि एकदम इक्वल लगे यहाँ। तो गाइस अभी हमारी बोट ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है पूरी की पूरी, तो अभी हमें बस इसके ऊपर हाउस बनाना है, बोट हाउस। तो इस हाउस बनाने के लिए हम ट्रैप डोर का यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि हम पूरा हाउस ट्रैप डोर से बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसे ट्रैप डोर लगाने हैं। हाँ गाइस और यहाँ पर कैसे लगेगा भाई, यहाँ तो लग ही नहीं रहा है। तो एक काम करता हूँ, मैं इस वाले ट्रैप डोर को तोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको तोड़ता हूँ, और यहाँ पर अभी ऐसे ट्रैप डोर लगा देता हूँ पीछे की तरफ। तो गाइस ये कवर नहीं हो रहा है, गैप है बीच में। हाँ गाइस तो अभी मैं यहाँ पर समझ गया, इसको मैं पीछे की साइड से लगाता हूँ। तो इसको मैं पहले तोड़ देता हूँ, तो अभी यहाँ से लगाता हूँ इसको। तो गाइस पहले मैं इसको पहले कंप्लीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ट्रैप डोर लगा दिया, अभी इसके ऊपर मुझे दो लेयर और लगानी है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से लगा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैंने दो लेयर और ट्रैप डोर की लगा दिए, और नीचे के तीन लेयर। तो ये जो एक्स्ट्रा लग गया था इसको तोड़ देते हैं, तो ये तो नीचे चला गया। तो गाइस अभी मुझे यहाँ से पीछे से लगाना है ऐसे, ये भी सब तीन तीन लेयर में लगाने हैं। तो यहाँ पर पहले ये क्लोज हो रहा है कि नहीं देख लेते। हाँ गाइस अभी ये क्लोज हो रहा है, तो अभी ऐसे ही मैं पूरे में लगा देता हूँ। तो गाइस अभी मैंने यहाँ पर पूरे में ट्रैप डोर्स लगा दिए, आप देख पा रहे हो, और अभी बस इनको मुझे ओपन करना है सबको। तो यहाँ पर मैं जल्दी से सबको ओपन कर देता हूँ ट्रैप डोर को, और फिर हमारा पूरा हाउस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो गाइस अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने सारे ट्रैप डोर्स ओपन कर दिए, और अभी ये आधा हमारा हाउस का स्ट्रक्चर बन चुका है। और अभी हमें यहाँ पर स्लैब लेना है, और एक और स्लैब ले लेता हूँ। और गाइस हमें यहाँ पर डर्ट भी चाहिए, तो यहाँ पर मैं डर्ट ले लेता हूँ। और गाइस अभी हमें यहाँ पर डर्ट लगाकर ऊपर जाना है, और ऊपर से इसको पूरा स्लैब से कवर कर देना है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से डर्ट लगाकर ऊपर जाता हूँ। तो गाइस ये रहा स्लैब हमारे पास, और अभी यहाँ पर हमें पूरा स्लैब से इसको कवर कर देना है ऊपर से। और यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा लगा दिया, तो यहाँ पर मैंने पहले इसको तोड़ देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैं जल्दी से पूरे में स्लैब लगा देता हूँ। गाइस अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने ऊपर की तरफ पूरे स्लैब्स लगा दिए, और गाइस अभी मैं इसे और थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, मतलब आगे की तरफ एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि ये शेड जैसा लगे। तो यहाँ पर और थोड़ा कर देते हैं हम, तो गाइस इतना एक्सटेंड बहुत रहेगा। तो यहाँ पर इसको मैं पूरा एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि आगे की तरफ शेड जैसा दिखे। और अभी यहाँ पर रात भी हो चुकी है, तो गाइस अभी ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर अभी पहले हम जाकर सो जाते हैं क्योंकि रात हो रही है। तो यहाँ पर इसको मैं तोड़ देता हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा लग गया था।
और यहाँ पर टॉर्चेस लगा देता हूँ ताकि कोई भी मॉब स्पॉन ना हो यहाँ पर। अबे क्या ट्रैप डोर के ऊपर टॉर्चेस भी नहीं लगा सकते, तो यहाँ पर अभी मैं नीचे लगा देता हूँ टेम्प्रेरी, फिर यहाँ पर कुछ लैंटर्न लगाएंगे। तो यहाँ पर अभी मैं बेड लगा देता हूँ और सो जाता हूँ जल्दी से। तो गाइस अभी यहाँ पर सुबह हो चुकी है और अभी हम चलते हैं इसके ऊपर, क्योंकि हम इसके ऊपर एक और छोटा सा घर बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं डर्ट लगा कर जल्दी से चलता हूँ ऊपर। तो गाइस अभी मैं यहाँ पर डर्ट लगा कर ऊपर आ चुका हूँ और अभी हमें यहाँ पर चाहिए डार्क ओक लॉक चाहिए। अब देखिए इसमें डार्क ओक लॉक लाए नहीं, तो गाइस अभी मैं यहाँ पर जल्दी से डार्क ओक लॉक लेकर आ जाता हूँ घर पर जाकर। तो यहाँ पर मैं जल्दी से चलता हूँ। तो चलिए गाइस अभी मैं यहाँ पर डार्क ओक लॉक लेकर आ चुका हूँ और लैडर्स भी लेकर आ चुका थोड़ी बहुत। और गाइस आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले पूरा एक सैंड का आइलैंड जैसा था, और गाइस अभी आप देखो यहाँ पर ये पूरी सैंड अंदर चली गई है, शायद से कोई क्रीपर व्रीपर फूटा होगा। वैसे क्रीपर अपने आप थोड़ी फूटता है, शायद से गाइस इसके नीचे माइंड भी थी इसीलिए। तो गाइस अभी हम चलते हैं जल्दी से बोट में। तो गाइस यहाँ पर मैं बोट में आ चुका हूँ और अभी यहाँ पर पहले हमें स्लैब लेने हैं। तो ये तो वो रे डार्क ओक लॉग जो हम लाए थे, तो यहाँ पर पहले स्लैब चाहिए ना मुझे। तो यहाँ पर मैंने स्लैब तो ले लिया और अभी यहाँ पर स्लैब हमें ऐसे एक एक ब्लॉक छोड़ कर लगाना है, मतलब चारों साइड से एक एक ब्लॉक में नहीं लगाना है, बाकी बीच में पूरा लगा देना है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से लगा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैंने पूरे में स्लैब लगा दिया, आप देख पा रहे हो, मतलब साइड के एक ब्लॉक नहीं लगाए चारों साइड, बाकी सेंटर में पूरा कवर कर दिया अब स्लैब से। और गाइस अभी हमें यह लेना है डार्क ओक लॉक जो हम लाए थे, तो इनको लेते हैं अभी यहाँ पर। और अभी यहाँ पर हमें फेंस भी चाहिए, तो ये तो गेट है यहाँ पर, ये डिफेंस। तो अभी हमें यहाँ पर ये डार्क ओक लॉक को यहाँ से अभी आपको जितना भी बड़ा बनाना है उतना बना सकते हो। मैं यहाँ पर 3 की हाइट बना रहा हूँ, तो यहाँ पर 2 3, तो वैसे यहाँ पर मैंने ऐसे 3 का हाइट का बना दिया है। और अभी ऐसे ही आपको यहाँ पर भी बनाना है, तो ऐसे ही जल्दी से मैं यहाँ पर चारों बना देता हूँ। देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने पूरा ऊपर का घर ही कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन रही थी तो इसीलिए मैंने वो सब स्किप कर दिया। तो गाइस अभी हमारा बोट हाउस ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, बस थोड़ा बहुत डेकोरेट करना है। तो चलिए गाइस मैं जल्दी से थोड़ा बहुत डेकोरेट कर देता हूँ और फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो गाइस अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पर रात भी हो चुकी है और अभी हमारा पूरा बोट हाउस कम्प्लीट हो चुका है, आप देख पा रहे हो पूरी मैंने लैंटर्न वैंटर्न सब लगा दी, और यहाँ पर मैंने गेट भी ऐसे ही लगाया। और यहाँ पर आप देखो सब जगह मैंने दो दो बेड लगाए, तो यहाँ पर पहले हम सो जाते हैं। तो चलिए गाइस अभी यहाँ पर सुबह हो चुकी है और गाइस अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने 2 फर्नेस 2 क्राफ्टिंग टेबल लगाए, और यहाँ पर मैंने बीच में ऐसे 3 ट्रैप डोर अलग लगाए ताकि एक विंडो जैसा लगे, आप देख पा रहे हो। और यहाँ पर ऊपर लैंटर्न लगाई और यहाँ पर बेड, मतलब दोनों साइड बेड है, और यहाँ पर पीछे की तरफ चेस्ट लगाई। और अभी हम चलते हैं यहाँ से ऊपर। ऊपर तो कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही खाली है। तो यहाँ पर भी ऊपर लैंटर्न लगाई है। तो यहाँ पर मैंने एक चेयर बनाई है, आप देख पा रहे हो, फिशिंग करने के लिए। और यहाँ पर ये फिशिंग रॉड भी है, तो ताकि हम फिशिंग कर पाएँ यहाँ पर। तो गाइस यही था हमारा बोट हाउस, आपको कैसा लगा? तो अभी हम चलते हैं यहाँ से नीचे। तो गाइस आप कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये बोट हाउस कैसा लगा। और यहाँ पर मैंने बैरल्स भी लगाए हैं, आप देख पा रहे हो। तो गाइस अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैं अपने बोट हाउस से थोड़ा दूर आ चुका हूँ, और आप ऊपर की तरफ देखो वो रहा हमारा ट्राइडेंट फार्म। तो गाइस यहाँ से आप देखो हमारा बोट हाउस कितना अच्छा दिख रहा है। तो गाइस आपको ये कैसा लगा कमेंट में बताना। तो चलिए गाइस इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलता है अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उस बेल आइकन को भी दबा देना। तो चलिए गाइस तब तक के लिए बाय बाय। Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on and on.